We are going to learn mathematics and our topic is numbers. हम लोग numbers पढ़ रहे हैं अभी तक, लेकिन हमने page number 12 तक पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे page number 13 से 19 तक. आज हमने क्या क्या पढ़ना है, long, short का concept, tall और short का concept, और उसके बाद base value. देखेंगे हम numbers up to 20 तक हमने देखना है, देखनी है base value. सबसे पहले देखेंगे हम लॉन्ग एंड शॉर्ट. अब हमें कैसे पता चलेगा लॉन्ग और टॉल में डिफरेंस, कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग जो है वो हम कब यूज करेंगे और हमें टॉल जो है वो हम कब यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरो है, तो इसमें हम देखेंगे ये वाला जो एरो है ये शॉर्ट है यानी छोटा है, और ये लॉन्ग है ये बड़ा है. और इसी तरह से अगर ट्रीज को अगर देखें तो ये शॉर्ट है और ये टॉल है. अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या करेंगे देखेंगे हम, इसमें यही देखेंगे कि जो हमारे पास वर्टिकल होगा हमारे पास टॉल और हॉरिजॉन्टल होगा लॉन्ग. अब आप देखेंगे कि जो चीज हम टॉप और बॉटम यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ मैयर हो रही होगी ना, वो हमारे पास आ जाएगी टॉल में. टॉल भी हमारे पास क्या होता है, बड़ा, और लॉन्ग हमारे पास क्या होता है, लंबा, और शॉर्ट छोटा. इधर भी शॉर्ट है ये भी छोटा, तो मतलब कि हमें पता होना चाहिए लॉन्ग और टॉल में डिफरेंस. जिसको हम वन साइड से दूसरी साइड से मैयर कर रहे होंगे वो हमारे पास लॉन्ग होगा, और जिसको हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कर रहे होंगे मैयर करेंगे तो वो हमारे पास टॉल होगा. नेक्स्ट है हमारे पास प्लेस वैल्यू. अब प्लेस वैल्यू हमें पता है कि हर एक डिजिट की जो है ना प्लेस वैल्यू होती है. जैसे कोई भी हम डिजिट लिखेंगे तो हमें पता है अगर कोई वन डिजिट हम लिखेंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी वंस, और अगर कोई दो डिजिट होंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी फर्स्ट डिजिट की टेंथ, और जो सेकेंड होगा उसकी वंस होगी. हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास है वंस और फिर टेंस है. अब हमें नंबर दिया है वन टेंस और टू वंस. अब हमें इसको नंबर लिखना है, ये हमें वर्ड में दिया हुआ है, हमें इसको नंबर लिखना है. तो हमें पता है वन टेंस है और टू वंस. टू वंस मीन्स पहले हम लिखेंगे टू, टू हमारे पास वंस की प्लेस पे है, और वन टेंस, वन जो है वो टेन की प्लेस पे है. हमें पता है टेन, टेन के बाद क्या आता है, इलेवन आता है ना. तो आपने देखा वन और ये जीरो, देखें जीरो हमारे पास वंस की प्लेस पे और वन हमारे पास टेंस की प्लेस पे. इसी तरह से वन टेंस और टू वंस, पहले लिखेंगे वंस की प्लेस पे टू और टेंस की प्लेस पे वन. अब हमने वर्ड्स में भी लिखना है और फिगर्स में भी लिखना है वन टेंस और एट वंस को. वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे देखें, वन टेंस है और एट वंस, यानी एट वंस और वन टेंस, ये वन टेंस यहाँ आ जाएगा. उसके बाद हम इसको लिखेंगे वर्ड में. तो हमने पढ़ा ना ओ एन ई वन टी डब्ल्यू ओ टू, इस तरह से हमने टेंथ तक पढ़ा हुआ है. इसी तरह से 11 से 20 तक देखेंगे तो ये 1 और 8 हमारे पास क्या आएगा, 18 हम यहाँ पर लिखेंगे इसको वर्ड्स में. ये हमारे पास है फिगर्स में और ये हमारे पास प्लेस वैल्यूज के साथ है, यानी यहाँ पे हमें पता है 1 की प्लेस वैल्यू 10 है, 8 की प्लेस वैल्यू 1 है. यहाँ से हम देखेंगे इसको, हमने वर्ड्स में भी लिखा और हमने इसको फिगर्स में भी लिखा. अब है हमारे पास एब्कस. एब्कस को हम क्या कहते हैं, ये हम हमारे पास जो है ना ये एक फ्रेम होता है काउंटिंग के लिए, हमने ये जैसे बना हुआ है, इसमें हम स्मॉल बॉल्स बनाते जाएंगे. ये टू रॉड्स है हमारे पास और इसमें हम ना स्मॉल बॉल्स बनाते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा वंस और सेकेंड पे लिखा हुआ टेंस, हमने यहाँ पे जितनी बॉल्स बनाई है वो हम काउंट करके वंस की प्लेस पे लिख देंगे, और फिर सेकेंड रॉड में देखेंगे और यहाँ पे जितनी बॉल्स होंगी उनको भी काउंट करके टेंस की प्लेस पे लिखेंगे, उनको हम वंस की प्लेस पे नहीं लिखेंगे. ये हम तब यूज करते हैं जब हमने काउंटिंग करनी होती है, तो इसको फिर हम एब्कस यूज करते हैं. तो यार आपने देख लिया, आज हमने देखा टॉल लॉन्ग शॉर्ट इनका कॉन्सेप्ट देख लिया, और नंबर्स अप टू 20 हमने नंबर्स को किस तरह से प्लेस वैल्यू की देखी, और हमने वर्ड में किस तरह लिखना है और फिगर्स में कैसे लिखना है, और आपके जो बुक में क्वेश्चंस हैं एब्कस के थ्रू वो आपने इस तरह से करने हैं. जो आपके पास मंथ्स में बॉल्स होंगी उनको आपने काउंट करके मंथ्स की प्लेस पे लिख देना है,
जिसमें वर्ब्स होंगी उनको आपने काउंट करके टेंस की प्लेस पे लिख देना है। इसका जो शॉर्ट वर्जन है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा।